बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में स्पेन के टूरिस्ट वीज़े या विज़िट वीज़े के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि स्पेन जो है वो यूरोप में आता है और यूरोप में फिर वो शेंजन कंट्री में आता है। अगर स्पेन का वीज़ा आपको मिलता है तो आप तमाम शेंजन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छा जी, स्पेन जिसको किंगडम ऑफ स्पेन भी कहा जाता है, ये साउथ वेस्टर्न यूरोप में आता है और इसकी जो टेरिटरी है वो अटलांटिक ओशन तक जाती है। अच्छा, जो आइबेरियन, क्योंकि स्पेन जो है वो आइबेरियन पेनिनसुला में है, इसके तकरीबन 17 ऑटोनोमस रीजन्स हैं जिनके मुख्तलिफ किस्म की जोग्राफी और कल्चर्स हैं। इसका जो कैपिटल है वो मैड्रिड है और इसमें रॉयल पैलेस और पेड्रो म्यूज़ियम वगैरह है, और इसमें जो आर्ट वर्क है, जो बिल्डिंग्स का आर्ट वर्क है वो बहुत ही मशहूर है पूरी दुनिया में। स्पेन जो है वो स्पेनिश लीग की वजह से, फुटबॉल लीग की वजह से भी जाना जाता है। कैपिटल इसका मैड्रिड, करेंसी इसकी यूरो, लैंग्वेज इसकी स्पेनिश है। जैसे जैसे कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस ख़त्म होती जा रही हैं, इसी तरह जो एम्बेसीज हैं या जो फॉरेन मिशन हैं वो लोग ज़्यादा काम कर रहे हैं वीज़ाज़ के ऊपर, क्योंकि एक ऐसी जो है वो क्रिएट हो चुका है, वैक्यूम क्रिएट हो चुका है जिसको पूरा करने के लिए उनको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मींस काफ़ी जो इमिग्रेशन और वीज़ा के रिलेटेड चीज़ें हैं वो पेंडिंग जा रही हैं और लोग ज़्यादातर अभी अप्लाई करना शुरू किया हुआ है। अभी स्पेन ने अपनी अपॉइंटमेंट्स खोली हैं, वीज़ा एप्लीकेशन लेनी शुरू की है और बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट भी आ रहा है। अगर आप स्पेनिश वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आप ज़रूर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है उनमें, अगर आप बिज़नेसमैन हैं तो आपके पासपोर्ट, आईडी कार्ड, निकाह नामा, एफआरसी, फैमिली का एफआरसी, पेरेंट्स का, उसके बाद आपके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चों के स्कूल कॉलेज के लेटर, फ़ी बिल्स। बिज़नेसमैन हैं तो आपके बिज़नेस के रजिस्ट्रेशन, चैम्बर का कार्ड, चैम्बर का लेटर और चैम्बर की मेम्बरशिप, उसके बाद आपके बिज़नेस के बैंक स्टेटमेंट, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट, अगर आपके पास एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं, वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, उनकी जो है असेसमेंट या वैल्यूएशन, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, और इन द एंड अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आपके पास होटल बुकिंग, एयर टिकट बुकिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स की जगह आपके एम्प्लॉयमेंट का या जॉब लेटर, NOC और आपके पास सैलरी स्लिप्स होनी चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए आपके पास जो है अपने पेरेंट्स का कंसेंट लेटर, कॉलेज की तरफ से लेटर कि आपको वो इजाज़त दे रहे हैं कि आप जाएं, आपका फ़ी बिल वगैरह होना चाहिए। तो ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप स्पेन का वीज़ा अप्लाई करना चाहें तो आपके पास होने चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके हमारे स्टाफ से पूछ सकते हैं। अगर आप समझते हैं आप डायरेक्टली मुझे मैसेज करें तो मेरा नंबर है 03214468599, जो कि लिंक में भी नीचे आ रहा है। आप इस पर व्हाट्सएप मैसेज करें, अपना नाम लिखें, आपकी सिटी कौन सी है, आपकी क्वेरी की। अगर मैं समझूंगा कि आपको मुझसे मोबाइल पे बात करनी है, कर सकते हैं और मैं आपका केस सॉल्व कर सकता हूं या आपको कोई हल दे सकता हूं, तो मैं ज़रूर बताऊंगा कि आप अपॉइंटमेंट मेरी लें और उसका जो मेथड होगा पेमेंट वो मैं आपको बताऊँगा। इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये रेड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इसको शेयर भी करें ताकि आपके वो दोस्त जो कि इस किस्म की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं उन तक पहुंच सके। थैंक यू, बहुत मेहरबानी।